नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया में। मैं हूं निशांत गुप्ता। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस अपने संगठन के ढांचे को मजबूत करने के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी करेगी। पार्टी इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर एक पदयात्रा निकाल सकती है। इस यात्रा के जरिए पार्टी पदाधिकारी जनता के बीच पहुंचेंगे, इससे लोगों का पार्टी से जुड़ाव हो सकेगा और मजबूती भी मिलेगी। हालांकि इसका स्वरूप और रूप क्या होगा, इस बारे में अभी तक कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि पदयात्रा के जरिए पार्टी संगठन की ताकत को बढ़ाएगी और जो वरिष्ठ पदाधिकारी या नेता अथवा कार्यकर्ता कांग्रेस से दूर हो गए हैं, उन्हें भी जोड़ने का काम किया जाएगा। पदयात्रा के जरिए सभी 80 लोकसभा सीटों पर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाएगा और उन्हें पार्टी से जोड़ने की कोशिश भी करेगा। केंद्रीय नेतृत्व की सहमति मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पदयात्रा निकल सकती है। इस यात्रा के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 25 किलोमीटर सफर को तय किया जाएगा। इसके संकेत लोकसभा चुनाव के लिए हुई बैठक के दौरान मिले हैं। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के मुताबिक जनता के बीच पहुंचने का पदयात्रा और आंदोलन सशक्त माध्यम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा से काफी बल भी मिला है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को पूरे देश में बूस्टर डोज दी है। इस यात्रा से उत्साहित पार्टी नेता यह मान रहे हैं कि अगर ऐसी ही पैदल यात्रा लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में निकाली जाएगी तो लोगों का जुड़ाव होगा और पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। माना जा रहा है कि यह पदयात्रा अगले माह यानी दिसंबर में प्रारंभ की जा सकती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के मुताबिक पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, गन्ना समर्थन मूल्य और किसानों की बदहाल हालत को लेकर पदयात्रा के जरिए जनता के बीच जाएगी। इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाया जाएगा और जनता के मुद्दे भी जाने जाएंगे। बताते चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा में राहुल गांधी ने पार्टी के कई नेताओं के साथ 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी यात्रा करी थी। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हुई थी। इस यात्रा के दौरान 145 दिनों तक राहुल गांधी ने यात्रा के जरिए आम जनमानस को कांग्रेस के साथ लाने का प्रयास किया था। हालांकि यात्रा में राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने यह यात्रा अपने लिए या कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि देश के लोगों के लिए की है। हमारा उद्देश्य उस विचारधारा के खिलाफ खड़ा होना है जो इस देश की नींव को नष्ट करना चाहती है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 सार्वजनिक बैठकें, 100 से अधिक नुक्कड़ बैठकें और 1 दर्जन से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। आपके लिए जानकारी जुटाई थी आई इंडिया के सहयोगी अविनाश चंद मिश्रा ने और कैमरे के पीछे सिद्धांत पांडे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।